गंज बासोदा जिला सहकारी बैंक में किसानों के साथ बैंक कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार और समय पर भुगतान न करने जैसी तरह तरह की खबरें कई दिनों से आ रही थी। विगत कुछ दिनों पहले किसानों ने तहसीलदार को भी एक आवेदन दिया था, जिसके बाद तहसीलदार यशवर्धन सिंह राठौर ने बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक को व्यवस्था सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक और व्यवस्था सुधारने की वजह और ख़राब हो गई, जिसके बाद आज अन्नदाता एकत्रित होकर विधायक श्रीमती लीना जैन के निवास पर पहुंचे और पूरी बात बताई। उसके बाद विधायक स्वयं किसानों के साथ बैंक पहुंचकर मैनेजर से कहा कि किसानों के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही बैंक के बाहर किसानों को टेंट की व्यवस्था कराने की बात भी कही। पत्रकारों ने जब विधायक से चर्चा की तो कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कुछ किसान भाई मेरे कार्यालय अभी पहुंचे थे, उनको जो भी समस्या थी उनके निराकरण के लिए मैं आज बैंक में आई थी, साथ ही यहाँ की व्यवस्था देख रही थी। व्यवस्था देखते हुए क्या पाया गया, किसानों की समस्याएं क्या हल हो पाई? किसानों की समस्या को हल करेंगे और किसान भाइयों के लिए तो खड़े हैं यहाँ पर। किसान सुबह से खड़े हैं, 7-7 बजे से बैंक आकर खड़े रहते हैं, बता रहे हैं कि हमारे चेक ले लिए जाते हैं, पेमेंट नहीं किए जाते, उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं है, टेंट की व्यवस्था नहीं है, भरी धूम में खड़े हैं। तो मैनेजर से क्या आपने कुछ किसानों के हित के लिए क्या कहा? मैंने मैनेजर साहब से बोला है टेंट लगाने के लिए और पानी की व्यवस्था मैंने देखी, टंकी भरी हुई है, बाकी मैंने देखा कि जैसे ये किसान भाई खड़े हुए हैं तो मैंने बोला कि आप शेड लगाइए, थोड़ा सा ये शांति से बैठे। एक निवेदन मैं सारे किसान भाइयों से भी कह रही हूँ, आप लोग भीड़ ना करके एक व्यवस्थित लाइन में अपने काम के लिए खड़े रहिए और मैं आप लोग के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।